और मेरे बाल भी उखड़ रहे हैं। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। प्रियंका, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो बहुत हिलेरियस, बहुत फनी, बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम करने वाले हैं टेस्ट बहुत ही वियर्ड टूल्स फ्रॉम Amazon, एंड काफी जो है मजेदार वाले टूल्स है, बहुत ही अजीबोगरीब टूल्स है मेरे पास आज, और हम सबको टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं आखिर ये वियर टूल्स टूल्स जो है नीचे वालों ने किस फुर्सत में बनाया और किसी काम के है भी कि नहीं, या फिर सिर्फ मुझे और आप जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेस्ट करेंगे अब आज ढेर सारे वियर टूल्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वियर टूल है ये, धरती को कपकपा देने वाला, इंसान की हड्डियों को हिला देने वाला बॉडी मसाजर। तो जैसे कि आप सुन सकते हो, आइए बस, ये वाइब्रेट करता है। इसको आपको क्या करना है, काफी सस्ता सा था, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, इसमें बैटरियां लगती हैं चार। मेरे पास काफी दिनों से है, बहुत यूज करा हुआ है मैंने इसको, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ। तो अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, आपको बस इसको ऐसे रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना और ये वाइब्रेट करता है, और बड़ा मजा आता है इसको ऐसे से करने में। लाइक जहां दर्द हो रहा है वो दर्द तो नहीं जाता है, बट मजा आता है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होता है। सच बताए तो मसल्स में दर्द तो यार अगर हो रहा है तो वो हो ही रहा है, वो वॉलनी वगैरह लगाओगे, दवाई वगैरह खाओगे तब जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़े से मजे चाहिए और आपको आसपास कोई ऐसा नहीं जो आपको मसाज दे, एकदम मजे करा दे, तो आप फिर मेरे जैसे कैटेगरी में हो और आपको ले लेना चाहिए ये बॉडी मसाजर, काफी मस्त है। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सो मेरे तरफ से इस टूल को 10 में से मिलेगा 8, क्योंकि इसका जो ये अजीबोगरीब से तीन पैर वाला ये जो प्राणी है, इसको मतलब बहुत अल्टीमेट लेवल के मजे तो ये नहीं देता या आराम नहीं देता, प्राइस के लिए आई थिंक ये एक ठीक ठाक मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं इस तिलस्मी पत्थर के ऊपर, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड मिलाग्रो। नाउ जहां देखो इंटरनेट पे वो पत्थर मले जा रहा है अपने फेस पे, भाई अब यही बाकी रह गया था। इतने दिनों से मैंने देखा था लोग ऑयल कंट्रोल करने के लिए फेस पर टिश्यू पेपर लगा रहे हैं, ब्लॉटिंग पेपर लगा रहे हैं, पता नहीं कौन सा फलाने ढिमकाने की चीजें लगा रहे हैं, बट आज हमारे पास है ये तिलस्मी पत्थर ऑयल को रियूजेबल वॉशेबल श्रिंक पोर्स, पोर्स श्रिंक तो नहीं होगा ये मैं आपको बता रही हूँ, मैटिफाइंग रोलर फॉर ऑयली एक्ने प्रो स्किन। इसको हम चेक करेंगे। वाओ, इतने से पत्थर के 700 रुपए, लेट्स पुट दिस टू टेस्ट। मेरा थोड़ा फेस इधर इधर ऑयली ऑयली हो रहा है, यू कैन सी, मतलब मैंने मेकअप लगा रखा है, तो भी देखते हैं कुछ मैट इफेक्ट होता है। बेगनी मैंने आ चुके हो, पास आ चुके हो आप लोग, और अब देखते हैं। मजा आया, मेकअप जरूर ट्रांसफर हो जाता है, बट इधर देखो पूरा मैट हो गया। लाइक आप देख सकते हो डिफरेंस, पहले ये इतना चमक रहा था और इधर का पूरा मैट हो चुका है, और मेरा फोरहेड भी बिल्कुल मैट हो चुका है। वर्क कर रहा है यार, कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यू गाइस, मेरा और फाइनल वर्डिक्ट इसके बारे में पूछो तो मेरे को ये बहुत ही महंगा ओवर प्राइस प्रोडक्ट लगा। सच बताऊं, दिल से बताऊं, मेरे पास ये 2 महीने से पड़ा हुआ है और मैंने हार्डली इसको कभी निकाल के यूज किया है, बट अगर आप बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन वाले बंदे हो, ऑयली एक्ने प्रोन वाले, आई थिंक डेली डे टू डे लाइफ में तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी, मेरे को नहीं लगता आप लोग भी करोगे, बट अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, शादी पार्टी में जा रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, तो इसको पर्स में जरूर रख लेना, बिकॉज उस हिसाब से ये बड़ी काम की चीज है। तो यू गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I want to share something. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं यार मेरे बालों का राज क्या है। वैसे तो मैं बहुत सारे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहती हूँ, बट रिसेंटली मैंने लास्ट 2-3 weeks से जो प्रोडक्ट ट्राई किया है, रियली वॉन्टेड टू शेयर अबाउट दैट विथ यू गाइज। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के एक्टेक्स शैम्पू एंड एक्टेक्स कंडीशनर के बारे में। यहाँ पे जो है बहुत ही अमेजिंग एक न्यू लॉन्च कर दिया है मामा अर्थ ने। नाउ आई एम समवन जो एग्स नहीं खाता, बिकॉज एग की स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, एंड मैंने एग्स खाना बहुत पहले छोड़ दिया था, बट बालों में एग्स लगाने से बाल बहुत ज्यादा नरिश हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बालों पे एग्स का बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है बालों में, बिकॉज इट्स रिच इन बायोटीन एंड प्रोटीन, बट उसकी इतनी गंदी स्मेल होती थी कि मैंने मम्मी बिल्कुल घर के बाहर ही भगा देती थी मुझे, कि जा तू बाहर ही बैठ और अब घर तभी आना जब बाल धो लेगी। तो मामाअर्थ का जो ये एगप्लेक्स रेंज है, इट गिव्स यू द बेनिफिट्स ऑफ एग प्रोटीन एंड कोलाजन। तो एग प्रोटीन जो है स्ट्रेंथन करता है एंड रिपेयर करता है डैमेज हेयर को, एंड जहां पे कोलाजन की बात आती है तो वो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड शाइनी बना देता है। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये शैम्पू एंड कंडीशनर इतनी अच्छी, इनकी खुशबू है, बहुत ही प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है, जो आपको बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं होने देगा कि आपके सर पे एग प्रोटीन जा रहा है या फिर एग का कोई कंपोनेंट जा रहा है, और आपको इफेक्ट पूरे वो वाले मिलेंगे। सो इट्स
बेनिफिट फॉर एवरीवन, बिकॉज वो बदबू नहीं सहनी पड़ रही है, वो आपको मैसी जो हो जाता है पूरा फैल जाता है, स्मेल करने लगता है पूरा घर, वो नहीं सहना पड़ रहा है, बट उसके जितने बेनिफिट्स है वो इस शैम्पू एंड कंडीशनर से आपको मिल जाते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट इट डज नॉट हैव एनी सल्फेट्स, एनी पैराबेंस, एंड मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं, साथ में दे आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स। ये शैम्पू जो है आप इससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पूरे बालों को बहुत जेंटली क्लीन करता है, बहुत ही जेंटल शैम्पू एंड कंडीशनर है, आपके बालों को बहुत नरिश एंड स्ट्रेंथन करता है इसका जो कंडीशनर है, आपके बालों का जितना डैमेज है लाइक स्प्लिट एंड होता है बहुत लोगों के बालों में, ड्राइनेस होती है, फ्रिजीनेस होती है, उसको बहुत हद तक ठीक करने में ये शैम्पू एंड कंडीशनर हेल्प करेगा। एग प्रोटीन जो है वो बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को, वो हेयर ब्रेकेज को बिल्कुल कम कर देता है एंड रिपेयर करता है डैमेज हेयर को। कोलाजन के बारे में जैसे मैंने बोला, आपके बालों को स्मूथ बना देता है, स्ट्रेंथन अप करता है अपने बालों को और प्रिवेंट करता है हेयर थिनिंग। साथ में इसमें है केराटिन, केराटिन इज नोन टू स्मूथन अप योर हेयर व्हाइल रिड्यूसिंग द स्प्लिट एंड्स एंड ऑल। गाइस ये जो टू स्टेप रूटीन है आई हाईली रिकमेंड, आप जरूर ट्राई करो, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है ये एक्सप्लेक्स शैम्पू एंड द एक्सप्लेक्स कंडीशनर, वेरी वेरी नाइस लॉन्च फ्रॉम मामाअर्थ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस न्यू लॉन्च। नाउ व्हेनेवर यू बाय एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट इन बाय 2025, एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। मामाअर्थ के अगर आप वेबसाइट से या मामाअर्थ ऐप से प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो घोष 2022 एंड यू कैन गेट अ फ्लैट 20% ऑफ ऑन देयर प्रोडक्ट्स। नायका, फ्लिपकार्ट, Amazon पे भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, Android एंड iOS प्लेटफॉर्म पे मामाअर्थ का ऐप अवेलेबल है, तो फटाक से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मामाअर्थ के पिछले साल, इस साल जितने न्यू लॉन्चेस आए सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी में भी ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है और हर प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड है, बेटर है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप इसको चेकआउट करें। नाउ लेट्स कीप ऑन वॉचिंग, आगे हम देखते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट और नेक्स्ट टूल को ट्राई करते हैं। तो गाइस अगला जो हमारा तिलस्मी प्रोडक्ट है वो है ये ऑटोमेटिक कर्ल, जिसको मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया भी था। ये मैंने लिया था अमेजोन से, भाई मैंने जब लिया था तो 1100-1200 रुपए का था, एंड देन मैंने लिया और पता नहीं लोग पागल हो गए इसके पीछे, इसका प्राइस बढ़ के 1500-1700-1800-2000 इस चाइना के माल का प्राइस ऐसे हो गया, एंड आई वाज लाइक व्हाट। इसका मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे शॉर्ट्स पे, तो इसको ऐसे करके आप इसमें अपने बालों को डालते हो एंड देन आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हो, पूरा रिव्यू मैंने इसको कर रखा है। इसके बारे में अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे को ये एकदम बढ़िया प्रोडक्ट लगा है। इसमें चार्ज अभी तो नहीं है इसलिए मैं पहले वाले शॉर्ट्स यहाँ पे डाल दे रही हूँ ताकि आप लोग देख पाओ, तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लगा मुझे तो, ये काफी अच्छे से कर्ल कर देता है। अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो फिर आपको हेयर स्प्रे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कर्ल ज्यादा लास्ट नहीं करेंगे, 4-5 घंटा आराम से लास्ट करेंगे, बट अगर आप उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो थोड़ा स्प्रे मार लो, इतनी मेहनत जब करी है कर्ल करके तो स्प्रे मार लो। वन मोर ड्रॉबैक इसकी, इसमें आप छोटे छोटे बालों के सेक्शन ले सकते हो, तो आप एक ही बारी में एकदम ऐसे चंक ले लेके अपने बालों का नहीं कर सकते सेक्शन, विच इज अ सैड पार्ट, बट कोई बात नहीं यार, इतने पैसे में तो इतना इच मिलेगा ना। नहीं नहीं, अगर आप अच्छा ऐसे वॉन्ड वॉन्ड भी लोगे 1500 में अच्छे अच्छे कर्लिंग वॉन्ड मिल जाते हैं, बट यार एक यूनिक सा प्रोडक्ट है, ये भी मेड इन चाइना माल है, तो यार दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। अभी जो है ना, मैंने सोचा मेरी इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी भी सब्सक्राइबर्स है जिनको छोटे छोटे से प्रोडक्ट बहुत क्यूट लगते, तो मैंने उठा लिया ये वाला बहुत ही क्यूट सा स्ट्रेटनर, और ये कुछ 200 रुपए के अंदर था, आई थिंक 200 रुपीज के अंदर, यस 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 इफ आई एम राइट 250 के अंदर था। अभी मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, आज हम करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 110-240 वोल्ट, अनदर मी इन द राउंड। नाउ ये स्ट्रेटनर है, इसको अपन ने कभी ट्राई नहीं किया आज तक, इसको पहली बार आज हम ट्राई करते हैं, लेकिन लगाएगा कहाँ। तो यहाँ पे जो है ऑन ऑफ का बटन है, कोई टेम्परेचर सेटिंग्स वगैरह है नहीं इसमें, आप लोग जैसे देख सकते हो अभी इसको थोड़ा सा गर्म हो रहा है, हाँ जी गर्म हो रहा है, हम स्ट्रेट करके देखेंगे बालों को, ठीक है। हम लेते हैं अपने बालों का ये चंक, ठीक है, और इसको हम स्ट्रेट करेंगे, वैसे तो मेरा बाल स्ट्रेट ही है बट थोड़ा देखते हैं अंतर आता है कि नहीं। जहां तक मैं फील कर रही हूँ ये बालों को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है, मतलब जो था ना चीप के स्ट्रेट करना, तो ये उतने अच्छे से कर नहीं पा रहा है और मेरे बाल भी उखड़ रहे हैं जड़ से, काफी सारे 2-3 बाल निकले हैं बट स्ट्रेट हो रहा है मैटर। ये
इधर से ज्यादा टाइट हो जा रहा है, इधर से टाइट हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जब मैं टाइट पकड़ रही हूँ तो इधर के बाल खिंच रहे हैं और इधर के ठीक से स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इससे स्ट्रेट तो हो गया बट इससे, लेकिन अगर आप एकदम ही टीनेजर हो या फिर आप एकदम ही अफोर्ड नहीं कर सकते तब आप इसको लेना, बिकॉज इतने थोड़े थोड़े से बाल लेके स्ट्रेट करने में तो पूरा जीवन निकल जाएगा। और इंडिया में मोस्टली लड़कियों के बाल शोल्डर नेक से लंबे ही होते हैं, तो आई थिंक उसमें तो आपका पूरा जीवन निकल जाने वाला है। प्लस ये यहाँ से बहुत, इस पार्ट से अगर आप देखो तो ये यहाँ से काफी टाइट हो रहा है और इधर इसका गैप ज्यादा रह रहा है, इधर एकदम टाइट हो जा रहा है, इधर गैप हो रहा है, तो जब मैं दबा रही हूँ तो इधर से टाइट हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे बाल खींचना हूँ तो इधर जो बाल है वो खींच रहे हैं और इधर वाले बाल नहीं खींच रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है। मेरे 5-6 बाल भी इस प्रक्रिया में दिख रहे, कुर्बान हुए हैं भाई, मेरे 5-6 बाल भी आराम से इस प्रक्रिया में कुर्बान हो चुके हैं। तो मैं तो इस प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं करती, मेरे लिए फेल है। 5 दूंगी मैं इसको 10 में से, बिकॉज ये स्ट्रेट कर लेता है थोड़ा बहुत बट बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। और नहीं नहीं, मैं इसको यूज नहीं करने वाली हूँ। या दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे, जो एकदम चमत्कारी आइटम है, जबरदस्त है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया बट आज भी जो ये करने वाली हूँ ना, अपनी आंखों के ऑपरेशन करने वाली ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ गाइज। मेरे पास ये है आईलैश कर्लर, आईलैश में मस्कारा लगाने वाला कुछ टूल है ये, भगवान ही जानता है कि ये क्या है। इसमें आंखों की कंघी भी है, पता नहीं इससे मैं कैसे अपने लैशेस को कंघी करूंगी, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। बट अगर आपके अंदर ये तिलस्मी ताकत है तो कर सकते हो। 70-75 रुपए का कुछ ये था, इससे मैं अपने ब्राउज को कंघी कर लेती हूँ। है इतना पेशेंस आप में? मेरे में तो बिल्कुल इतना पेशेंस नहीं है कि मैं बैठ कंघी से ब्राउ में कंघी करूं। बड़े मुश्किल से तो मैं आईब्रो वाला पेंसिल लगा लेती हूँ, इससे कंघी करना मेरे बस की नहीं है। एनी वे चलो, मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ तो मैं अभी आप लोगों के सामने करने वाली हूँ। ये है एक मस्कारा टूल, अभी जो है हम अपना मस्कारा ले रहे हैं कलर बार का। और इसको करना क्या है बेसिकली, इसको अपनी आंख पे ऐसे रखना है। अच्छा, ऐसे रखना है आपको अपनी आईज में, आपको ऐसे मस्कारा लगाना है। तो गाइस मैं पहले ही बता दूं, मैं इसको कर चुकी हूँ और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा आप 75 रुपए का चॉकलेट खरीद के खा जाओ, तरबूज खरीद लो, नारंगी खरीद लो, नाशपाती खरीद लो, कुछ भी खरीदो, फ्रूट्स खा लो, कुछ भी खा लो, गोलगप्पे खा लो, ये ट्रैश चीज को बिल्कुल मत खरीदना, बिल्कुल ही बेकार चीज है ये। एक तो बहुत डर है कि इससे आपकी आंखें पोक हो सकती है, आपकी आंखों में चोट लग सकती है। सेकंडली मैंने इसको बिना मस्कारा के भी ट्राई किया हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल शिटी प्रोडक्ट है। एंड मैं आपको ये बोलूंगी, आप नॉर्मल मस्कारा भी अगर आप आंखें खोल के लगाने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप आंखें बंद करके ऐसे लगा सकते हो, बहुत ईजिली लग जाता है। बट प्लीज अपने आंखों के आसपास ये सारे खतरनाक जो जंत्र टूल्स है ना, इनको लेके बिल्कुल भी मत जाना। विद दैट आज का वियर्ड टेस्टिंग वियर्ड हैक्स टेस्टिंग वियर्ड प्रोडक्ट्स वाला वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा ऐसा वीडियो एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसे ढेर सारे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। एंड या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की ढेर सारी वीडियोस के साथ। आप क्या चाहते हो इसमें से, आपको सबसे ज्यादा वियर्ड क्या लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई विल मेक श्योर दैट नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा ना, मैं जरूर किसी ना किसी को कॉमेंट्स में या फिर वीडियो में शॉर्ट आउट जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।